हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो भाई लोग, आज मैं बताऊंगा बाइसेप्स का वर्कआउट कैसे कर सकते हो आप लोग स्टार्टिंग में, बिगनिंग में। और अगर आपके पास एक पेयर ऑफ डंबल है तो उससे आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो। तो बिगनर के साथ बताऊंगा कैसे आप लोग स्टार्ट करो वर्कआउट सिर्फ डंबल से। तो कुछ कुछ ऐसा बेसिक सा ही बताऊंगा, प्लस कुछ आपको वेरिएशंस ऐसा भी बताऊंगा जिससे कि आपका बाइसेप्स कम टाइम में ग्रो होगा, अच्छा दिखेगा और मस्कुलर दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले करते हैं चल एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं पहले। तो पहले वार्म अप क्या करना है आपको, डंबल पकड़ के सिर्फ यहाँ पे होल्ड करना है बस। जितना टाइम होल्ड करना है स्टार्टिंग में, फिर रिलीज, फिर होल्ड। चलो भाई पहले करते हैं वार्म अप, सिर्फ होल्ड करना है। चलो यहाँ पे लाना है जिससे फील करो बाइसेप्स मसल पे कॉन्ट्रैक्शन, बस होल्ड, दोनों एल्बो क्लोज, होल्ड। देख सकते हो आप लोग, अभी बिगनर है, कुछ दिन हुआ इसको वर्कआउट स्टार्ट किए हुए, लेकिन अब इसको करते हैं थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, पंप कर लेते हैं थोड़ा सा बाइसेप्स, सिर्फ होल्ड करके रिलीज, नीचे रखो फिर होल्ड। अभी इसका सिर्फ पंप कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे इस पर वर्कआउट, ठीक है। रिलीज, होल्ड, स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज। देख सकते हो आप लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह हो रहा है बाइसेप्स का। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को करना है 5 से 10 बार इस तरह करके रिपीटेशंस करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना है। तो आ जाते हैं पहले हमने करना है क्या चीज़, बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल लगाओ भाई, डंबल कर्ल इस तरह से ऊपर ले जाके कर्ल करना है, ठीक है। डंबल लगने सामने ही, डंबल कोई मोड़ना नहीं है, डंबल बस सामने रहेगा और ऊपर जाके होल्ड, थोड़ा देर होल्ड रखो ऊपर में, स्क्वीज धीरे धीरे नीचे, स्लोली स्लोली। हम अंदर इस वाले पार्ट भी टारगेट कर रहे हैं अपने बाइसेप्स के, इस तरह स्लोली स्लोली जाना है आपको, एल्बो क्लोज रहेगा, स्लोली स्लोली जाना है। हम इस वाले पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब देख सकते हो आप लोग कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से हो रहा है, तगड़ा बाइसेप बन जाएगा इस तरह आप लोग कर स्लोली स्लोली परफॉर्म करोगे तो, ठीक है। स्क्वीज स्लोली स्लोली फील करोगे बाइसेप मसल पे कॉन्ट्रैक्शन, अब शाबाश रख दो। तो इस तरह लगाना है आपको 15-20 रेपिटेशंस। वेट आपका जगह कम है डंबल का तो आप रेपिटेशन इंक्रीज करके इफेक्ट देख सकते हो, ठीक है। क्या करना है हमने, एकदम स्लोली स्लोली ऊपर जाना है, ऊपर जाकर ट्विस्ट, फिर स्लोली स्लोली नीचे। हम अभी करेंगे बाइसेप कर्ल, ये वाले पार्ट पे हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्या चीज़, हमने करना है क्लोज ग्रिप, क्लोज वाले पार्ट पे टारगेट, डंबल पकड़ के इस तरह पकड़ के अप, ये अंदर अंदर वाले पार्ट पे ये टारगेट कर रहे हैं हम, अंदर का ही राउंडनेस अभी लाना है तो अंदर पे टारगेट करेंगे। चलो भाई एक डंबल उठाओ इस तरह से, फिर अप स्लोली स्लोली पूरा नीचे जाओ अप। और बिगनर है तो इसको इस तरह से वेरिएशंस ऐड करना है आपको, इस तरीके से आपको वेरिएशन ऐड करना है कि आपका जल्द से जल्द मसल डेवलप हो, ठीक है। हर एक आदमी का अपना मसल का जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा टाइम लिमिट से होता है, तो हर एक वेरिएशन हिट करो, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा भाई। सिंपल वर्कआउट करते रहोगे तो ज़्यादा बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा, वेरिएशंस ऐड करते रहो। चलो देख सकते हो आप लोग बाइसेप्स थोड़ा बहुत इसका पंप हुआ है अभी, सिर्फ हमने किया है वार्म अप, बाइसेप कर्ल, फिर हमने ये एक्सरसाइज किया है। अगले एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम दोनों बाइसेप दोनों डंबल को पकड़ेंगे, लगाएंगे बाइसेप कर्ल, चौड़ाई पे आ जाएंगे इसके वेट पे। आ जाओ भाई बाइसेप कर्ल, बाइसेप हैमर कर्ल, इधर घूम जाओ, एल्बो में कोई मूवमेंट नहीं, एल्बो क्लोज रहेगा हमारा, ठीक है, ऑल द वे अप। चलो स्लोली स्लोली वन, आराम से स्लोली स्लोली, चलो स्लोली स्लोली, शाबाश। देख सकते हो आप लोग स्लो स्लो जाना है, कॉन्ट्रैक्शन पूरा करना है अच्छे से बाइसेप मसल को, तभी आपका बाइसेप चौड़ा दिखेगा, चौड़ा अच्छे से बाइसेप्स होगा आपका, ठीक है। मूवमेंट नहीं कोई बॉडी में, चलो 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 चलो, शाबाश रख दो। तो ये हो गया हमारा हैमर कर्ल, बाहर वाले पार्ट पे भी काम किए हैं, ठीक है। तो वार्म अप करना है, फिर ये एक्सरसाइज जो बोलूंगा मैं इसी तरह से इसी सीक्वेंस से परफॉर्म नहीं करना है, आप लोग अलग वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, हैमर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप लोग बाइसेप कर्ल से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा हमारा कंसंट्रेटेड कर्ल, ठीक है, या फिर आर्नोल्ड कर्ल। आपको क्या करना है, नीचे इस तरह से डंबल को नीचे से ऊपर लिफ्ट करना है सिर्फ बाइसेप्स मसल के मदद से, ठीक है। और जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ उस एक्सरसाइज में आपको जो भी हेल्प लेना है वेट लिफ्ट करने में सिर्फ बाइसेप्स मसल से ही, ठीक है, कोई शोल्डर का हेल्प नहीं, किसी चीज़ का हेल्प नहीं, सिर्फ बाइसेप्स मसल से आपको लिफ्ट करना है। आ जाते हैं कंसंट्रेटेड कर्ल, भाई लगाओ, फोकस रहेगा पूरे, पूरा पूरा छोड़ो रिलीज नीचे पूरा, हाँ चलो आप सर सामने अप, चलो सबास, एल्बो मूव नहीं करेगा, एल्बो इधर जाएगा, चलो चलो वन, चलो टू, पूरा आपका बाइसेप्स मसल से लिफ्ट होगा, चलो थ्री, चलो फोर, चलो फाइव। अभी इसका राउंडनेस पे काम हो रहा है, तगड़ा सा बड़ा गोला बाइसेप्स बन जाएगा घर पे ही, अगर ये से साथ साथ परफॉर्म करो, ठीक है। चलो एल्बो में कोई अप सर सामने, चलो पूरा नीचे जाने दो, शाबाश, चलो
सिर्फ आपको अगर डंबल से रहने दो, सिर्फ आपको अगर डंबल से बाइसेप्स तगड़ा करना है तो मैं वो एक साथ बता रहा हूँ, अगर आप ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट घर पे ही मिलेगा। ठीक है भाई लोग, तो अभी करते हैं कुछ, आप कर्ल के साथ साथ कुछ हैमर भी करते हैं। ठीक है, ऊपर ले जाना कर्ल, ये लास्ट में फिनिशर की तरह कर सकते हो। ठीक है, और ये जो मैं एक साथ बता रहा हूँ सबका, 3 से 4 सेट लगाना है, तीन से चार सेट लगाना है, रेपिटेशन 15 से 20 से 30, जो भी आपका स्ट्रेंथ हो, जिस वेट का आपका डंबल हो। ठीक है, रेपिटेशन इंक्रीज कर सकते हो, हल्का डंबल है तो। अभी हम करेंगे, ऊपर जाएंगे पूरा कर्ल की तरह आएंगे हैमर। ठीक है, इससे क्या होगा, हम अंदर वाले पार्ट के साथ बाहर वाले पार्ट पे भी पूरा आपका बाइसेप अच्छे से चार्ज हो जाएगा। करना है किस तरह, आपको एक मिनट लाओ दिखा देता हूँ। करना है क्या आपको, इस तरह से ऊपर जाना है। ठीक है, फिर आपको हैमर के पोजीशन में आके डाउन, फिर हैमर जाना है, फिर इस तरह से। ठीक है, कर्ल की तरह जाना है, फिर स्लोली स्लोली डाउन। चलो बस आपको सारा से ज़्यादा आपको स्लोली परफॉर्म करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर मसल डेवलप करना है स्लोली स्लोली, उस मसल पार्ट पे टारगेट करो, मसल एंड कनेक्शन तगड़ा रखो, बेनिफिट आपको मिलेगा। इधर घूम जाओ, चलो हैमर स्लोली स्लोली, शाबाश, चलो कर शाबाश। ये लास्ट में करो, इसका 5 से 10 रिप्रेशन भी अगर आप 3 से 4 सेट निकाल देते हो तो आपका बाइसेप्स तगड़ा सा पंप हो जाएगा, बड़ा दिखना शुरू हो। देख सकते हो आप लोग, अभी बिगनर है, 4 दिन हुआ इसका वर्कआउट, 4-5 दिन हुआ बाइसेप्स लगाए हुए और इसका पंप देख सकते हो आप लोग। रहने दो, एल्बो ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, रहने दो। तो ये हो गया भाई लोग, डंबल है, आ जाओ डंबल लेके तगड़ा सा वर्कआउट परफॉर्म करो। ठीक है, बाइसेप्स को बड़ा करो सिर्फ डंबल से, अलग अलग वेरिएशन जो मैं बता दी वो सारा ऐड करके, और घर पे ही अच्छा सा बाइसेप्स बनाओ। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ, और अच्छे वीडियो के साथ। आप लोग वर्कआउट करते रहो, डाइट अच्छा रखो और ट्रांसफॉर्म करो। कोई भी बेनिफिट हो तो भाई को इंस्टा पे जरूर बताना, गौरव जा फिटनेस, और अपने बॉडी में, अपने पर्सनैलिटी में चेंज लाओ, अपने बॉडी को अच्छा बनाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक भाई लोग स्टे सेफ, स्टे हेल्दी भाई लोग।